चंद्रग्रहण 2022 7 या 8 नवंबर भारत में कितने बजे जाने सूतक काल का समय। ज्योतिष अनुसार चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण लगना दोनों ही एक खगोलीय घटना मानी जाती है। इसके ज्योतिषीय प्रभाव देखने को मिलते हैं, इसीलिए ग्रहण से संबंधित सावधानियां, नियम, सूतक काल का खास महत्व होता है। साल 2022 का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा पर लगेगा। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी मनाई जाती है। आज हम आपको नवंबर माह में लगने जा रहे साल के अंतिम चंद्र ग्रहण की सही तारीख, सूतक काल का समय, ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, ग्रहण कितने बजे लगेगा और इस दौरान क्या करें क्या ना करें, इस बारे में बताएंगे। चंद्र ग्रहण का समय व सूतक काल। साल 2022 का अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर मंगलवार के दिन लगेगा। भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण 8 नवंबर मंगलवार को दोपहर बाद 1:32 से शाम 7:27 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। चंद्र ग्रहण का मोक्ष होगा शाम 6:20 पर और ग्रहण का सूतक काल सुबह 8:10 पर आरंभ हो जाएगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसीलिए भारत में इसका सूतक मान्य होगा। चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। ज्योतिष अनुसार 8 नवंबर को लगने जा रहा है यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण दक्षिण पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में नजर आएगा। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें क्या ना करें। मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल के दौरान मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, इसीलिए ग्रहण काल में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए और ना ही पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार ग्रहण काल के समय सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के सूतक काल लगने के बाद घर में भोजन पकाने और ग्रहण करने की मनाही होती है। हालांकि शास्त्रों में बीमार, बूढ़े और बच्चों को इसकी कोई मनाही नहीं है। ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक शक्तियां प्रभावी रहती हैं, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान अपने इष्ट देव का ध्यान और मंत्र जाप करते रहना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि ग्रहण लगने से पहले ही खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता या कुशा नामक घास डालकर रखनी चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर घर को शुद्ध कर लेना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने पर दान आदि करना शुभ होता है।